के बारे में सोचोगे तो आपके घर के प्रॉब्लम्स अगर है तो आपको वो प्रॉब्लम्स आपको अपना कैरियर के बारे में सोचने को मजबूर करेगा। भाई बेसिक चीजें, मैं क्या चीज हूँ मालूम नहीं पड़ेगा, हमको कैरियर में क्या बनना है इसका क्लियर पिक्चर नहीं मालूम पड़ेगा। एक बार हमें पता पड़ गया मैं क्या चीज हूँ, आई विल कम टू नो व्हाट आर माय वीकनेसेस, आई विल कम टू नो व्हाट आर माय स्ट्रेंथ। वंस यू कम टू नो व्हाट आर यू, what is your own self, you will come to know your strength, you will come to know your weaknesses. तो उसके लिए डॉक्टरी क्यों करना, वो एजुकेशन पाथ क्यों चूज करना, वो सब्जेक्ट क्यों चूज करना। गुड मॉर्निंग ब्रिगेडियर राणा। तो कैरियर अगर आप सोचोगे तो सब्जेक्ट आपको चूज करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहली चीज फैमिली बैकग्राउंड, दूसरी तो मेरा भी बेटा ये बनना चाहिए या आपका बेटा ये बनना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको, कैरियर क्या चीज है, क्यों कैरियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैरियर कैसे बनाना है, सिंपल चीज बताऊंगा कैरियर कैसे बनाना। चैनल के स्टेज से इसको सोचना शुरू कीजिए कि सबसे पहले मैं क्या चीज हूं। 2017 to 10 November 2017 तक चल रहा है। My chief officer BI court, respect CLTC 3017 में काम 307। मैं माननीय ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर PS राणा साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि और मंच पर आकर प्रतियोगिता विजेताओं को अपने हाथों से सम्मानित करके उनका हौसला बढ़ाए। और फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। और जूनियर डिवीजन में सेकंड पोजीशन हासिल किया है डिवीजन उदय सुमित। और फर्स्ट पोजीशन बेल कंपटीशन जूनियर डिवीजन सेकंड पोजीशन हासिल किया है मुरोजी हाई स्कूल फलटन का कैडेट खानविलकर ऐशराज। और फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है रोहित। और क्रॉस कंट्री सेकंड पोजीशन, क्रॉस कंट्री सेकंड पोजीशन एलबीएस कॉलेज सातारा का सेकंड पोजीशन कैडेट। इसके बाद ड्रिल कंपटीशन, सीनियर डिवीजन सेकंड पोजीशन हासिल किया है राणा जूनियर अंडर ऑफिसर बाबर प्रशांत, और प्रोग्राम और काम में और सीरियल डिवीजन में बेस्ट कैडेट का बहुमान प्राप्त किया है सीनियर अंडर ऑफिसर जाधव अभिजीत। बेस्ट कैडेट
ग्रेजुएट हाई स्कूल वाई आदित्य चिटनिस बेस्ट कैडेट जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन में बेस्ट कैडेट का बहुमान हासिल किया है। सीनियर अंडर ऑफिसर जादव अभिजीत दैवड़ी कॉलेज दैवड़ी सीनियर अंडर ऑफिसर जादव अभिजीत फर्स्ट बेस्ट कैडेट। थैंक यू सर। डिवीजन कैडेट राज सोमनाथ सेकंड पोजीशन क्रॉस कंट्री में हासिल किया है और फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है मुदोजी कॉलेज फलटन आकाश भड़करे क्रॉस कंट्री फर्स्ट पोजीशन। और धवन सागर सेकंड पोजीशन क्रॉस कंट्री एमजी विद्यालय फेवरी। टग ऑफ वॉर क्रॉस कंट्री फर्स्ट कोटरे सूरज दैवड़ी हाई स्कूल वाई सीनियर डिवीजन फर्स्ट पोजीशन डेल्टा कंपनी सीनियर डिवीजन टग ऑफ वॉर फर्स्ट पोजीशन डेल्टा कंपनी सीनियर और टग ऑफ वॉर जूनियर डिवीजन सेकंड पोजीशन चार्ली कंपनी सीनियर टग ऑफ वॉर सेकंड पोजीशन चार्ली कंपनी। सीनियर डिवीजन फर्स्ट पोजीशन डेल्टा कंपनी सीनियर डिवीजन टग ऑफ वॉर फर्स्ट पोजीशन डेल्टा कंपनी सीनियर और टग ऑफ वॉर जूनियर डिवीजन सेकंड पोजीशन चार्ली कंपनी सीनियर टग ऑफ वॉर सेकंड पोजीशन चार्ली कंपनी। और इसके बाद कल्चरल प्रोग्राम जूनियर डिवीजन का कैडेट है और सेकंड पोजीशन माने और इस कार्यक्रम में मैं आपका थोड़ा समय लेकर एनसीसी और इस बटालियन के बारे में कुछ दो शब्द बोलना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है प्रथम और द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटिश सैन्य दलों में जवानों की कमतरता महसूस हो रही थी और इस दूरी को कम करने हेतु 1940 में
यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर की स्थापना की गई और उसे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से सम्मानित किया गया। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आर्मी प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्मी में भर्ती करना यह उद्देश्य था।
सर। सेकेंड एनसीसी बटालियन का रेजिन डे है और एनसीसी कैंप चल रहा है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑनर कि मुझे फिर एक बार कैंप में आना मतलब अपॉर्चुनिटी मिली। आई वाज आल्सो एनसीसी कैडेट एंड एनसीसी वैल्यूज हैव ब्रॉट मी टू दिस प्लेस। आई वाज सिलेक्टेड फॉर एनडीए आल्सो एंड देन आई जॉइन नेशनल पुलिस अकेडमी एंड टुडे एज अ यूनिफॉर्म ऑफिसर इट्स अ रियली प्राउड फीलिंग टू बी पार्ट ऑफ एनसीसी। एंड एनसीसी is a I think only institution in India which molds and which ingrains values of nationalism and diversity in
students at a young age, and I think still more and more young students should join NCC. Jai Hind. Thank you, sir. 22 Maharashtra NCC Battalion के 55 साल के गौरवमय इतिहास को सेलिब्रेट करने के लिए आज हमने अपना रेजिंग डे सेलिब्रेशन यहाँ महागांव में सूर्योदय कॉलेज के ग्राउंड और प्रांगण में इन सुंदर पहाड़ी और वादियों में किया। 22 महाराष्ट्र एनसीसी बटालियन अक्टूबर 1962 में रेज हुई थी एज पार्ट ऑफ 6 इंडिपेंडेंट बॉम्बे ग्रुप के। ये आज प्रेजेंटली 1963 से कोल्हापुर एनसीसी ग्रुप के अंडर है। 22 महाराष्ट्र एनसीसी बटालियन में 2610 कैडेट्स जो सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन के छात्र हैं वो एनसीसी के कैडेट्स हैं। हम लोग एनसीसी का ए बी और सी सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग देते हैं और जिसमें एनसीसी सी सर्टिफिकेट में जब जिस कैडेट को मिल जाता है उसको कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है आर्मी में आने के लिए, उनको सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ता है। इस शुभ अवसर पर मैं 22 एनसीसी महाराष्ट्र के सभी रैंक्स और सभी एएनओज और उनके परिवार और उनके बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में जिस प्रकार हमने अपने पिछले 55 साल के गौरवपूर्ण इतिहास में 1200 कैडेट्स को फोर्सेज में हमने कंट्रीब्यूट किया है, हम आगे भी ये काम इसी तरीके से और इसी शिद्दत से करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सर आपका नाम? नमस्ते, माझं नाव महेश सोनवणे आहे। मी इयत्ता 9वीमध्ये होतो तेव्हापासून एन सी सीचे कॅम्प केलेले आहेत, 9वी 10वी, त्यानंतर कॉलेजला गेल्यानंतर 11वी 12वी आणि FY असे जवळजवळ 5 वर्ष मी ह्या एन सी सीमध्ये आहे। आणि एन सी सीमुळं मला हा फायदा झाला की लीडरशिप गुण हा आपल्या अंगामध्ये तयार होतो, कारण एन सी सी झाल्यानंतर कॉलेज झालं, माझं कॉलेज झाल्यानंतर मिलिटरीमध्ये ॲक्च्युली जायचं होतं मला, पण माझं कलाक्षेत्राकडं जास्त कल असल्यामुळे मी चित्रपट नाट्य